हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव शिक्षा ट्यूब। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19, जिसमें हमने इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के काफ़ी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अब हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं और एक स्पेसिफिक कोर्स चलाएंगे जो रेलवे ग्रुप डीप पे होगा, और इसके अंदर हम मैथ्स की क्लासेस, जनरल साइंस की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल लाइव शिक्षा ट्यूब अभी तक सब्सक्राइब करनी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं प्रैक्टिस सेट सुबह 6:30-7 के आसपास अपलोड करता हूँ, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसको एक सीरियसली देखना चाहिए आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी रहेगा केरोसिन, ऑप्शन सी रहेगा हाइड्रोजन और ऑप्शन डी रहेगा आपका डीजल। दोस्तों, जैसा कि मैं बताता हूं कि जनरल थॉट से भी आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी को देखिए, केरोसिन। केरोसिन की गाड़ियां क्यों बंद कर दी गई थी? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता था, इसलिए केरोसिन की गाड़ियां बंद कर दी गई थी। तो हमारा आंसर केरोसिन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी गलत है। अब हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए, सी और डी। डीजल की गाड़ियों से बेटर हम पेट्रोल की गाड़ियां समझते हैं, क्योंकि इसका ईंधन काफ़ी बेटर होता है, पेट्रोल की गाड़ी का काफ़ी बेटर होता है, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए है कोयला, कोयला भी नहीं है, क्योंकि कोयला अगर अच्छा होता, ज़्यादा अच्छा होता, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो रेल है वो नहीं आती। तो लास्ट में ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी हाइड्रोजन। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो हाइड्रोजन है उसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। वैसे फ्यूचर में हमारी जो कार्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कार्स होंगी, ये भी आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर टू में चलते हैं, उत्प्रेरक की खोज किसने की? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी रहेगा आपका लुइस ने, ऑप्शन सी रहेगा ब्रिजीलियस ने और ऑप्शन डी रहेगा आपका कुसेल ने। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानने की आवश्यकता है कि उत्प्रेरक क्या होता है। दोस्तों, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थित मात्रा से बढ़ जाती है तो उससे उत्प्रेरण कहते हैं, और उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। तो दोस्तों, जब आपका क्वेश्चन आए जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके खोजकर्ताओं के नाम लगभग पूछे जाते हैं, और ये इनकी खोज किसने की थी और ये होते क्या है, इनके बारे में जरूर पढ़ के जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी ब्रिजीलियस। ब्रिजीलियस ने ही उत्प्रेरक की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका रेटिनोल, ऑप्शन बी है थायमिन, ऑप्शन सी रहेगा आपका एस्कार्बिक एसिड और ऑप्शन डी रहेगा आपका टेकोफेरोल। तो दोस्तों, जो विटामिन बी है उसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी थायमिन। क्वेश्चन नंबर फोर में चलते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो आपके क्वेश्चन सही होते हैं उसको एक मार्क्स दे दीजिए और जो गलत क्वेश्चन है उसको जीरो मार्क्स दे दीजिए, ताकि लास्ट में जब हम टोटल करें तो अपने को पता चल जाए कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर में चलते हैं, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को आतंकियों का समर्थन करने वाला देश घोषित करने संबंधी एक बिल पेश किया है? दोस्तों, ये है जो आपका करंट जीके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक उनको सिलेबस नहीं पता है, तो पहले जाके सिलेबस चेक करिए कि अपने सिलेबस में आएगा क्या क्या, उसके बाद ही तैयारी करना शुरू करिए। अब देखते हैं इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी रहेगा भारत, ऑप्शन सी रहेगा ब्रिटेन, ऑप्शन डी रहेगा आपका जापान। तो दोस्तों, जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान को ग्लोबल टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच लिस्ट में डालने से जुड़ा एक बिल पेश किया है। दोस्तों, जो ग्लोबल टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच लिस्ट होती है उसका मतलब है तो होता है कि जो आतंकीय जो टेररिस्ट हैं उनको फाइनेंस मतलब पैसा देता है
उस संबंधित एक वॉच लिस्ट बनाई गई है। तो अमेरिका ने इसका एक बिल पास किया है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी रहेगा आपका पुष्प, और ऑप्शन डी है पत्ती। दोस्तों अब इसका आंसर कुछ स्टूडेंट देंगे तना और कुछ स्टूडेंट देंगे जड़। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जीवन चक्र की दृष्टि से मतलब जीवन की शुरुआत पौधे की कहाँ से होती है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, पुष्प। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका लिग्नाइट, ऑप्शन बी रहेगा बॉक्साइट, और ऑप्शन सी रहेगा डोलोमाइट, और ऑप्शन डी है कॉपर। दोस्तों जो एल्यूमिनियम होता है उसका प्रमुख अयस्क मतलब ये सबसे पहले बना होता है बॉक्साइट का। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है? दोस्तों ये इंडिया जीके का भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, करंट जीके का भी क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा हरिभूमि, ऑप्शन बी रहेगा द न्यूज टुडे समाचार पत्र, ऑप्शन सी है सॉरी ये प्रभात खबर है, ऑप्शन डी रहेगा अन्य। दोस्तों द न्यूज टुडे है वो इंडिया का फर्स्ट विदाउट पेपर न्यूज पेपर है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द न्यूज टुडे। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है विष्णुदेव साई, ऑप्शन बी रहेगा आपका श्री बेनी प्रसाद वर्मा, ऑप्शन सी रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन डी रहेगा आपका अन्य। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे मतलब गृह मंत्री थे। तो क्वेश्चन 8 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार एसएससी और आरआरसी में पूछा गया है। तो इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो वो कंट्री कौन सी है जो सबसे ज्यादा सोना उत्पादक करती है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी रहेगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑप्शन सी रहेगा इंग्लैंड, और ऑप्शन डी रहेगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों जो साउथ अफ्रीका है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक स्वर्ण का उत्पादक करता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राख, ऑप्शन बी रहेगा आपका जिप्सम, और ऑप्शन सी रहेगा चूना पत्थर, और ऑप्शन डी है मटीरिया मटिया। दोस्तों जो सीमेंट बनाई जाती है उसमें मुख्यतः है चूना पत्थर मिला होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी रहेगा बोरिन नाइट्राइड, और ऑप्शन सी रहेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो माणिक्य और नीलम है उनको रासायनिक रूप से हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जानते हैं। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नाम है आपको याद आए तो उसमें ये जरूर याद रखिएगा कि जो माणिक्य और नीलम है ये उसका रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्षारक को जल में घुलने पर क्या मुक्त होता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा OH नेगेटिव आयन, ऑप्शन बी रहेगा H+ आयन, ऑप्शन सी रहेगा दोनों आयन, और ऑप्शन डी रहेगा आपका कोई आयन नहीं। तो दोस्तों जब क्षारक को जल में घोलते हैं
तो OH नेगेटिव आयन निकलता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, OH नेगेटिव आयन। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन है जो SSC में पूछा गया था, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए है काली, ऑप्शन बी रहेगा श्वेत रंग की, ऑप्शन सी रहेगा आपका पीले रंग की, और ऑप्शन डी रहेगा आपका भूरे रंग की। दोस्तों जो कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करते हैं तो उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की जो परत जमती है उसका रंग है वो काला हो जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए काली परत। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। भौतिक विज्ञान में नोबल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको भौतिकी से भी पूछा जा सकता है, इंडिया जीके मतलब जीके से भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सीवी रमन, ऑप्शन बी रहेगा जे थॉमसन, और ऑप्शन सी रहेगा आपका कैलाश सत्यार्थी, और ऑप्शन डी रहेगा आपका मदर टेरेसा। दोस्तों जो भौतिक विज्ञान में नोबल पुरस्कार प्राप्त किया था फर्स्ट इंडियन ने वो थे डॉक्टर सीवी रमन, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए सीवी रमन। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट को अभी तक नहीं पता है कि भौतिकी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भौतिकी हो गई, रसायन विज्ञान हो गया, और ये जो क्वेश्चन है वो 10th लेवल के ही पूछे कर जाएंगे। तो आपको अगर पता नहीं है कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस करना है, कैसे तैयारी करनी है, तो मैंने एक वीडियो बना के अभी अपलोड किया था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, तो आप जाइए और उसको हमारे चैनल पे देखिए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लार ग्रंथि, ऑप्शन बी रहेगा थायराइड ग्रंथि, और ऑप्शन सी रहेगा आपका यकृत, और ऑप्शन डी रहेगा आमाशय। दोस्तों जो शरीर की ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यकृत। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका सेरिब्रम, ऑप्शन बी रहेगा थायराइड, और ऑप्शन सी रहेगा आपका सेरिबेलम, और ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है वो होता है सेरिब्रम से, तो आंसर रहेगा आपका आपका ऑप्शन ए सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली सिनेमा वर्ल्ड को ध्यान में रख के, सबसे बड़े कारोबारियों को ध्यान में रखते हुए दे सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी रहेगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी रहेगा आपका केरला, और ऑप्शन डी रहेगा आपका कर्नाटका। दोस्तों जो अपने इंडिया की सर्वाधिक कमाई वाली इंडस्ट्री है जो है बॉलीवुड, वो महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र में ही को ही सबसे संपत्ति वाला राज्य कहा जाता है। आप समझ चुके होंगे जो एक मूवी भी निकलती है तो कितने करोड़ों रुपए कमाती है, अरबों रुपए कमाती है। तो दोस्तों जो सबसे सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है, और ये क्वेश्चन इंडिया जीके से है। आपको मैं बताना चाहूँगा इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, तो याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सोजेंग पुरस्कार 2009 मिला था? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है खबर लहरिया, ऑप्शन बी रहेगा आपका दैनिक हिंदुस्तान, ऑप्शन सी रहेगा आपका अमर उजाला, और ऑप्शन डी रहेगा आपका आज। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो देखिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन एक खबर लहरिया। खबर लहरिया को यूनेस्को किंग सोजेंग पुरस्कार 2009 मिला था। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं।
गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, मतलब शुरुआत कहाँ की थी? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका खेड़ा में, ऑप्शन बी रहेगा अहमदाबाद में, और ऑप्शन सी रहेगा चंपारण में, और ऑप्शन डी रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो गांधी जी ने सबसे पहले इंडिया में सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो किया था चंपारण में। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? दोस्तों, इसके ऑप्शन दिखाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस टाइप के जो कथन है, जैसे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उन सबको जो उनके वक्ता थे उनके नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हर बार एक दो क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं कि जो वक्ताओं के बारे में पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे बेस्ट मेथड मैंने बता रखा है कि जो भी टॉपिक हो, जैसे विटामिन्स है, सो विटामिन ए से शुरुआत करके आप लिखिए कि इस विटामिन में ये पाया जाता है, ये लिख के अपने एक पेज पे लिख लीजिए, आपसे आपके सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे लगेंगे और आपको अच्छी तरह वो याद हो जाएगा, अपने रूम में चिपका लीजिए, तो सुबह से हम आप उसको देखेंगे तो अच्छी तरह आप उसको रट पाएंगे। इस जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ऑप्शन बी रहेगा लोकमान्य तिलक ने कहा था, ऑप्शन सी रहेगा लाला लाजपत राय जी ने कहा था, और ऑप्शन डी रहेगा आपका महात्मा गांधी जी ने। दोस्तों, जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा मोतीलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन बी रहेगा जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन सी रहेगा आपका मदन मोहन मालवीय जी ने, और ऑप्शन डी रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू जी ने। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। भारत सिनेमा के जनक थे, दोस्तों ये भी जीके का क्वेश्चन है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा देविका रानी, ऑप्शन बी रहेगा आपका दादा साहब फाल्के, और ऑप्शन सी रहेगा आपका लुमियर ब्रदर्स, और ऑप्शन डी रहेगा अन्य। दोस्तों, जो दादा साहब फाल्के थे उन्होंने इंडियन सिनेमा की शुरुआत की थी, तो इनको ही इंडियन सिनेमा के जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के। क्वेश्चन नंबर 23 मतलब 23 में चलते हैं। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार मुझे लगता है इसको जरूर पूछा जाएगा। याद रखिएगा, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी रहेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ऑप्शन सी रहेगा आपका डॉक्टर वी वी गिरी, और ऑप्शन डी रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 24 से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो अपने अभी तक के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, टोटल कितने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, टोटल कितने राष्ट्रपति रहे हैं, उनके नाम क्रमशः, मतलब सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन सा था, अभी जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, अभी जो राष्ट्रपति है वो कौन है, और जो जो पास्ट में राष्ट्रपति थे वो कौन कौन से थे, उनके नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी स्टूडेंट इस टाइप के ही क्वेश्चन में मात खाते हैं। तो दोस्तों, जनरल साइंस और करंट अफेयर को अच्छी तरीके से तैयार करो। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, मतलब साउथ इंडिया में कौन सी ऐसी नदी है जो हमारे गंगा की तरह ही पूछी जाती है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा कावेरी, ऑप्शन बी रहेगा तुंगभद्र, ऑप्शन सी रहेगा आपका गोदावरी, और ऑप्शन डी रहेगा कृष्णा। तो दोस्तों, जो गोदावरी है उसको साउथ इंडिया में गंगा की तरह ही पूजा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं।
दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर है। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो एसएससी में या तो एसएससी में पूछा गया था या आरआरसी में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका कॉपर क्लोराइड, ऑप्शन बी रहेगा कैल्शियम फास्फेट और ऑप्शन सी रहेगा आपका कैल्शियम कार्बाइड और ऑप्शन डी रहेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों जो दांतों का मसूड़ा होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी रहेगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी रहेगा आपका सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी रहेगा आपका अन्य। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है ये जरूर सर्च कीजिएगा और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अभी हमारे 7,500 सब्सक्राइबर हो गए हैं एक महीने में और ये सब बस आपकी दुआ है। दोस्तों जब हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं जो लोग डेली कमेंट कर रहे हैं उनमें से हम एक टोकन निकालेंगे और जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हम आपको भेजेंगे। तो हमारे चैनल्स पे कमेंट करते रहिए कि आपको कैसा ये वीडियोस लग रहे हैं, कैसे टेस्ट लग रहे हैं, हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इस टाइप से कमेंट करते रहिए ताकि क्या पता आपका भी नंबर आ सके। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका पारा, ऑप्शन बी रहेगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी रहेगा ब्रोमीन और ऑप्शन डी रहेगा आपका तांबा। दोस्तों जो इसमें पूछा गया है उस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा क्योंकि धातु और अधातु में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस क्वेश्चन में अधातु के बारे में पूछा गया है तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इनमें से कोई धातु तो नहीं है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी ब्रोमीन है जो कमरे के ताप पर ही द्रव हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। दोस्तों जो आप कपड़े साफ करते हैं उसमें भी एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आपका पानी मतलब खराब है या खारा हम जिसको बोलते हैं खारा है तो कपड़े उतनी अच्छी तरीके से साफ नहीं होते, और अगर आपका पानी मीठा है मतलब मृदु है तो आपका के कपड़े अच्छी तरह साफ होते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है कठोर जल, ऑप्शन बी रहेगा मृदु जल में और ऑप्शन सी रहेगा दोनों प्रकार के जल में और ऑप्शन डी रहेगा इनमें से ये सॉरी सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों जो मृदु जल है उसमें अगर आप साबुन के द्वारा सफाई करते हैं तो आपका जो कपड़ा है उसका जो क्वालिटी है उसका काफ़ी इफेक्ट कर पड़ता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी मृदु जल। दोस्तों अब 29 और 30 नंबर क्वेश्चन से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके अगर 2 नंबर आए 4 नंबर आए 5 मार्क्स आए 25 मार्क्स आए 30 में से 30 आए आपको कमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो आपको मैं बताऊं कि बहुत से स्टूडेंट हमारे जो कमेंट करते हैं उनके मार्क्स आपको पता चलेंगे कि देखिए आप किस कैटेगरी में हैं। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में काफ़ी टाइम पड़ा है तो आप कमेंट करेंगे तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि किस स्टूडेंट के कितने आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और बाकी स्टूडेंट की तैयारी कैसी है। मेरा एक स्टूडेंट है जो रेगुलर ये प्रैक्टिस सेट सोल्व करता जा रहा है, उस वो 5 नंबर से स्टार्ट किया था। जब मैं 20 क्वेश्चन डाला करता था तो उसके 4 या 5 मार्क्स आते थे और शुरुआत में उसके बहुत कम मार्क्स आते थे, पर दोस्तों आज अगर आप उसके जो कमेंट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो स्टूडेंट काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है और दिन ब दिन हमारा डेली प्रैक्टिस सेट सुबह अपलोड होते ही दिखता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका पेप्सिन,
ऑप्शन बी रहेगा ट्रिप्सिन, और ऑप्शन सी है आपका ट्राइलिन, टाइलिन, और ऑप्शन डी रहेगा काइमोट्रोप्सिन। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका ऊर्जा, ऑप्शन बी रहेगा तापमान का, ऑप्शन सी रहेगा बल का, और ऑप्शन डी रहेगा आपका चाल का। दोस्तों जो वेक्टर है वो बल का मात्रक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी बल। दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। अब टोटल कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जब टोटल कर लेंगे तो अगर आपके क्वेश्चन 24 से 30 के बीच में सही हुए हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर आपके क्वेश्चन 18 से 24 के बीच में सही हुए हैं तो आपकी ठीक तैयारी है, मतलब आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर आपके क्वेश्चन 18 से कम सोल्व हुए हैं, मतलब आपको कैटेगरी सी मिल रही है, तो ध्यान रखिए दोस्तों कि अभी टाइम है। अगर आप सुबह जल्दी उठ के कैसे भी करके 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल पाएंगे तो ही आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर क्लियर हो पाएगा। दोस्तों जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर है वो काफ़ी आसान आता है, पर इस बार मेरिट काफ़ी फ्लैक्चुएट होगी क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसका एग्ज़ाम देना है। तो आप ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में अपने नंबर गवा दें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको जनरल साइंस में ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जिनको जनरल साइंस आती है, और जो लोग जनरल साइंस की तैयारी करते हैं, सबसे बड़ा मैटर है कि स्टूडेंट जनरल साइंस की तैयारी करते ही नहीं है। तो चलिए अभी आप कमेंट्स करिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मुझे ये भी बताइएगा कमेंट के थ्रू कि सर कौन 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 सी आपको क्लासेस चालू करनी चाहिए। दोस्तों मैं जीके की, रीजनिंग की, और करंट अफेयर्स की, और इसके साथ साथ जनरल साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।